मालिक, ये तो उठते ही नहीं। मालिक, मैं बैंगलोर नहीं गई, मैं सपना देख रहा हूँ। कमला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चाय लाई हूँ। क्या अमोला की गैर हाजिरी में भी उसके ऑर्डर पर चलना होगा? मेरा मतलब ये है मालिक कि मालकिन के हुकुम के खिलाफ। देखो कमला, तुम्हारा यहाँ कोई काम ही नहीं है। आज मेरी आजादी का पहला दिन है। आजादी मुबारक हो मालिक। आजादी मुबारक हो। आओ श्रीकांत, बैठो मेरे दोस्त। चाय पियोगे? हाँ, चाय पीकर थोड़ी ना कोई सेलिब्रेट करता। अरे यार, कुछ हंगामा करो, कुछ पैसा खर्च कर, तुम नाच गाना हो जाए, सेलिब्रेट करो यार। सेलिब्रेट वो चाय पीकर नहीं। तो फिर कैसे? वो सब मुझ पर छोड़ दो, सारी अरेंजमेंट मैं कर लूंगा। रजनी बहन को भी टीवी सीरियल में काम मिल गया क्या? काश काश। अरे फल फैलाए बैठी हुई है मेरे सर पे। कहाँ? ऐसे देखोगे तो नहीं दिखाई देगी, दिल की नजरों से देखो डर जाओगे। हो जाए पार्टी, हो जाए। अरे यार दोस्त, क्या आइडिया दिया तूने, पार्टी हो जाए। ये बताओ मैं कितने बजे आऊं? कहा तुम्हारे घर पार्टी के लिए? मेरे घर? भैया बीवी तुम्हारी गई है, पार्टी तुम्हारे घर होगी। यार मुझे क्यों घर से बेघर करने पर तुले हुए हो तुम? अरे भैया, मैं भला पार्टी क्यों देने वाला? क्यों, ये औरतें पार्टी नहीं देती? औरतें? टी पार्टी, किटी पार्टी। डिवोर्स मिला तो पार्टी, डिवोर्स नहीं मिला तो पार्टी। तो एक हस्बैंड पार्टी नहीं हो सकती? नहीं 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 श्रीकांत, मैं सबके सामने अपनी शादीशुदा लाइफ की पोल नहीं खोलने वाला। अरे भैया तुम मत खोलना, औरों को खोलने देना, उनकी बोल तुम सुनना और अपने को खुश नसीब मानना। खुश नसीब? हाँ, कि तुम जैसे और बहुत सारे हैं। और हैं? बहुत सारे। मैं पार्टी की तैयारी करता हूँ। नहीं नहीं श्रीकांत, आई वांट शांति। शांति बीवी बाहर और शांति घर में। आई लव शांति। शांति ये पार्टी में नहीं आ सकती क्योंकि ये सिर्फ मर्दों की पार्टी है। आई वॉन्ट शांति श्रीकांत, शांति। चिल्लाए जा रहे हो? सुनो, पार्टी खत्म होने के बाद इंट्रोड्यूस जरूर करवाना है। उसका कोई बहना है? ठीक है ठीक है, मैं पार्टी की अरेंजमेंट करता हूँ। शांति। हाँ वो बना है, उसके यहाँ पार्टी है। किस खुशी में? अरे उसकी बीवी चली गई यार बैंगलोर सीरियल भी देने के चक्कर में। हाँ इसलिए तो पार्टी है, सेलिब्रेशन है। और सुन, अब इसके लिए अपनी बीवी से परमिशन मत लेना, चुपचाप चले आना है, और कॉलेज में किसी को बताना मत। ओके बाय, सी यू। विनायक विनायक डरा मत, मुझे हुआ क्या? सारे आ रहे, सारे के सब। कमला कमला जी साहब, देखो आपको खाना बनाना पड़ेगा करीबन 13 लोगों का। 13 जनों का? इतना सारा खाना? अरे 13 लोग आएंगे यार, फिर फॉर्मिंग मर्द पार्टी बना रहे, 20 सूत्रीय कार्यक्रम होगा। देखो 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 श्रीकांत, नो पॉलिटिक्स इन माय हाउस प्लीज यार। वैसे भी तुझे मालूम है मेरी कंपनी फॉरेन एक्सचेंज के चक्कर में उलझी हुई है। वो पॉलिटिक्स नहीं है, जिहाद है, जिहाद है, औरतों के खिलाफ जिहाद है। हाँ तो कमला तुम क्या क्या बनाओगी? मैं तो छुट्टी ले चुकी हूँ ना साहब। हाँ हाँ तुम तो छुट्टी पर हो, यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ वो जी साहब। एक मिनट कमला, कमला पार्टी कैंसल। नो वे, पार्टी रनिंग। कमला तुम एक काम करना, तुम मेरे भगवान को भेज दे। इस टाइम टेबल के ऊपर डिनर लगेगा, और वो भी बुफे डिनर, जिसको जितना खाना उतना खाए। लगाओ लगाओ। आहा झूमर, रंग बिरंगी लाइटें लगाएंगे इसमें। अमोला अमोला, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? अच्छा तो ऊपर शांति शांति, नीचे अमोला अमोला। ये सैटेलाइट कहाँ से आ गए? शिकार भैया आप? हाँ मैं
ओ लेट मी इंट्रोड्यूस, ये है विनायक और विनायक ये है रमीला, हमारी नई पड़ोसन। ओ नमस्कार। नमस्ते। अब नहीं कहा, अब तो 15 दिन हो गए हैं। अब समझी अमोला आपको किसी से मिलवाती क्यों नहीं। अच्छा? डरती है कहीं इसके पति को कोई छीन न ले। अरे रमीला बहन कहाँ जा रही हैं आप, ठहरिए ना, जो पूछने आई थी वो आप पूछ कर जाइए, वरना बदहजमी हो जाएगी, चूरन लेना पड़ेगा। वो क्या है श्रीकांत भैया, मैंने आपको यहाँ आते आते देखा ना, इसलिए आपके पीछे पीछे चली आई। बाय बाय वीनू। वीनू वीनू तुम्हारे लिस्ट में एक और नाम ऐड कर दो, शांति अमोला रमीला, क्या बात है। लेकिन अपनी शांति को छुपाए रखना, सैटेलाइट है बैंगलोर तक खबर पहुंच जाएगी। ओके ओके। ओहो ये भगवान अभी तक क्यों नहीं आया, पता नहीं सैटेलाइट ठुमक ठुमक की कौन सी न्यूज लेकर जा रही है। लेकिन कुछ भी कहे हमारी नई पड़ोसन है बड़ी इंटरेस्टिंग। रजनी की जासूस नहीं है? पापा भगवान नहीं आ सकता, इसलिए हम दोनों को भेजा है। अरे तो पार्टी का काम इन दोनों से क्यों नहीं करवाते? प्रेजेंटली आपको काम क्या है? हाँ। चुप रहे, अगर रजनी तक खबर पहुंच गई ना तो मैं नहीं रहूंगा और तुम नहीं रहोगे। काम ही है बेटी की, इनकी आंटी चली गई। इनकी आंटी? हाँ तुम्हारी आंटी चली गई है बैंगलोर, और विनायक अंकल की वो जो कमला कमला नौकरानी वो छुट्टी पर चली गई है, और विनायक अंकल चाहते हैं कि तुम उनका घर साफ करो। और देखो बेटा काम बहुत सारा है। अच्छा ओके। काम का नाम सुनते ही हवा हो जाएंगी। अंकल इसका ये मतलब है कि हम साफ सफाई तो जरूर करते, लेकिन आंटी ने बुलाया है हमें। देखा मैंने क्या कहा था। जीनियस ऑलवेज। हमारी ग्राउंड रिंग ये उस दिन खेलते खेलते गिर गई थी, लेकिन वो अमोला आंटी ने बोला था कि नहीं है ना। कैच। खेलो क्या, व्हाट डू यू मीन खेलो? शिकार मेरे टीवी। अरे ये क्या कर रही हो, मेरा टीवी। अरे वाह अभी तक तो अमोला आंटी टीवी पे भी नहीं आई, और अंकल ने टीवी को ऑलरेडी बाहों में जकड़ लिया है। अरे श्रीकांत ये दोनों क्या सफाई कराएंगी, ये तो मेरा सफाया कराएंगी। बाकी कैंसिल। पार्टी पार्टी पार्टी। अंकल जरूर आपका बर्थडे होगा। नहीं मेरा बर्थडे बर्थडे कुछ नहीं है। अंकल वैसे फिलहाल तो यही प्रेजेंट। हाँ प्रेजेंट प्रेजेंट मेरे लिए। हाउ स्वीट, अब तुम ये प्रेजेंट लो, बाहर जाओ और खेलो। बेटी बेटी बेटियां मेरी बेटियां सुनो 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 सुनो, एक्चुअली क्या है कि विनायक अंकल चाहते हैं कि आप बाहर जाके खेलें, इसलिए उन्होंने ये रिंग तुम्हें प्रेजेंट दी है। यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है। पार्टी नहीं है बेटी। हाँ अब मुझे और मेरे सामान को बख्शो प्लीज। को जाओ रजनी के पास जाओ, रजनी बहुत बीमार है। अरे लेकिन मम्मी ने तो हमें कुछ बताया नहीं। यही तो तुम्हारी मम्मी की खासियत है, वो कभी किसी को ये नहीं बताना चाहती कि वो बीमार है, वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती। हाँ। खास करके मुझे, इसलिए कहता हूँ कि जाओ बेटी जाओ और अपनी मम्मी की सेवा करो, और खबरदार तुम्हारी मम्मी को ये पता ना चले कि तुम नहीं जानती होगी वो बीमार है, नहीं तो वो और बीमार पड़ जाएगी। मम्मी मैं आ रही हूँ। देखा विनायक क्या किस तरह मैं अपनी फैमिली को हैंडल करता हूँ। मेरा जीनियस यार ऑलवेज। पार्टी कैंसिल ना। पागल हो गए? पार्टी इज ऑन टेलीफोन। अच्छा चल चलो। हाँ अमोला बहन के घर से ही बोल रहा हूँ। यार ये तेरी बीवी को भी जानता है। और लिखी ऑर्डर लिखिए 3 दर्जन कोल्ड ड्रिंक्स। 3 दर्जन कोल्ड ड्रिंक्स क्या बात करता है तू? यार सारे दिल जले हस्बैंड जो है ना वो अपनी प्यास बुझाएंगे। पैसे तो मेरे लगेंगे। 24 दर्जन मुर्गी। 24 दर्जन मुर्गी फुर्गी कुछ नहीं। 24 तंदूरी चिकन। बचेगी तो तू खुद खा लेना। 24। और सुनो 12 प्लेट वो मटन बिरयानी भिजवा। नो। क्या कर रहा है तू? 12 प्लेट मटन बिरयानी और रोटियां और सलाद वो समझ के भिजवा दीजिए। अरे बहुत हो गया बाबा, बस कंगाल हो जाऊंगा, क्या कर रहा है? अरे छोड़ दे। क्या हुआ?
फ्रूट्स थोड़े ज्यादा मंगवा लिए होते तो कुछ भी ज्यादा मंगाने की बात तक की तो तुम्हारा गला घोट रहा है अपने हाथों से। हजारों रुपए का खर्चा हो चुका है मेरा, फिर भी ये एस्ट्रेंज हस्बैंड अभी तक क्यों नहीं आए? आगे वो